हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लाइनिंग वाला सूट आपको कटिंग करना बताऊंगी। सूट से सूट का मेजरमेंट मैं लूंगी, सूट से सूट का नाप कैसे लेते हैं ये बताऊंगी मैं। 36 नंबर सूट है ये लाइनिंग का कपड़ा है, मैंने इसे बिछा लिया है अच्छे से। ये देखिए, इसका फ्रंट हम 6 इंच लेंगे, तीरा जो है इसका हम 6 इंच लेंगे। आर्म होल भी इसका 6 इंच रखेंगे। आर्म होल इसका 7 इंच है। फ्रंट इसका 5.5 है, देखिए इधर ऊपर से भी हम 5.5 या 5.25 लेंगे। पूरा लाइन ऊपर से खींच लेंगे। इस तरह से इसका नेक हम 2.5 इंच रखेंगे। 1 इंच का हम पहले वहां मार्जिन देंगे, गैप देंगे 1 इंच का, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छे से शेप दे लें इसमें। शेप अच्छी रहती है तो कटिंग अच्छा होता है। इसका हम 7.5 पे लेंगे कमर का निशान, हिप का निशान भी हम 7.5 पे लेंगे। ये देखिए, ये देखिए 7.5, और उसके नीचे भी इसका 7.5 है। जिनकी हाइट ज्यादा होती है वैसे हम 7 पे लेते हैं, लेकिन जिनकी हाइट ज्यादा है तो उसमें हमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा 18 इंच है, तो 18 का आधा हम 9 लेंगे। ये देखिए 18 का आधा हम 9 लेंगे, दिख रहा है आपको, 9 लेंगे। 9 इंच हम यहां से माप कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको सूट से सूट का सिलना बता रहा हूँ। जिन्हें नहीं भी सिलने आता है, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा। कमर इसका 8 इंच है, 8 इंच पे एक निशान देंगे हम। मैं आपको इसका हिप का बताती हूँ। हिप इसका 20 इंच है, तो 20 का आधा हम लेंगे। दस इंच पे मार्क कर लिए हैं, सीधा लाइन खींच लें। यहां से यहां तक निशान लगा दें आप। ये देखिए, और सीधा लाइन हम नीचे तक खींच देंगे। अब हिप भी देख ले नीचे का, जो ये है बॉटम जो है, आप जिसको ये नीचे वाला है ये देख लें, और उसका आधा कर दें।
और प्लस हम 2 या 2.5 इंच सब में एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए, और सीधा लाइन हम खींच देंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने 2.5 इंच का गैप लिया है, जितना कपड़ा था उतना ही आया पूरा। फिर यहाँ से भी हम 2.5 इंच का ले लेंगे। कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है तो फिर आगे अगर आपका सूट टाइट हुआ तो आप खोल सकते हैं उसे। फिर ये 2.5 इंच पे ही है ऊपर से भी। और जब भी इसके सिलाई करें तो आप कोना ना निकालें। कोना कॉर्नर निकालने से क्या होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। आप उसको पूरा गुलाई दें कमर में ना, आप गुलाई देंगे तब जाके आपका सूट अच्छा बनेगा। तो ये नापने समय तो ये आपको दिख रहा है कमर के साइड में कि कोना निकला हुआ है, लेकिन इस तरह से आप सिलाई ना चलाएं। सिलाई में आप गोलाकार जरूर दें, उससे क्या है आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। अब इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने कट करके हटा दिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा आप हटा लें। अब हम नेक का कट करेंगे। एक पार्ट तो पहले हटा दें, बैक या फ्रंट जो भी है आप एक पार्ट हटा लें। अच्छे से फिर ये रख लें इस पार्ट को। हल्का सा भी हम आगे वाले पार्ट में हल्का सा कट करेंगे। बिल्कुल जरा सा कट करेंगे। वैसे तो हम 1/2 इंच का गैप रखते हैं, लेकिन पहले ही एक्स्ट्रा काट चुका है तो इसलिए इसमें हल्का सा कट करेंगे। ये हो गया है। मैंने नेक का कट इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसके नेक पे जो ना जो सूट है उसके नेक पे वर्क किया हुआ है, तो हम उसी के हिसाब से उसको कट करेंगे। उसको कट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बताऊंगी इसकी सिलाई में कि मैंने क्यों नहीं इसका नेक कट किया है। और मैं अब पीछे का नेक कट करूंगी। पीछे का नेक देखिए मैंने सूट से ही आपको बता रही हूँ कि सूट से कैसे नाप लेना है। ये देखिए जिनका है उतना मैं उस पर मार्क कर दे रही हूँ। ये देखिए बहुत ही इजी है, आप इसे ज़रूर बनाएंगे। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगी। मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से है, आपको ज़रूर समझ में आएगी। ये देखिए नेक 2.5 इंच का है। और ये 5.5 इंच का है, नीचे से लंबाई इसका 5.5 इंच है। और आपको ऐसे नहीं हो रहा है तो आप बॉक्स बना ले, और बॉक्स बनाने के बाद भी देखिए ऐसे ही कर देना है, अच्छे से सेव देना है ताकि हमारा जो नेक है
वो अच्छे गोल बने। और मैं आपको बताऊंगी इसमें कि नेक में ना तो आपको बुकरम डालने की, इस सूट में आपको ना ही तो बुकरम आगे पीछे कहीं किसी भी साइड में आपको बुकरम डालने की जरूरत नहीं है। मैं जिस तरह से आपको बताऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से है। जो भी इसमें कटिंग था इसी में था, बाकी सब जो भी होगा लाइन जो हम मेन कपड़ा काटेंगे उसमें आपको ना तो नापने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे इस सूट को लाइनिंग को उस पर डालेंगे और हम देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह से कटा है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से है, आपको ज़रूर समझ में आएगा। हर नंबर का सूट मैं अपने चैनल पे डाल रही हूँ तो आप उसे ज़रूर देखें। देखिए मैंने जो मेन कपड़ा है उस पे इसको डाल दिया है। अब मैं कट करके आपको बताती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया ना ही मैंने इसे नापा है, कुछ नहीं किया, लाइनिंग का कपड़ा उस पे बिछाया और मैं अब इसे कट कर दूँगी। ये देखिए पीछे नीचे से इसका वर्क है।